आज मेरे साथ है देवेंद्र ब्रदर, संजू भाई, रवि है और देवेंद्र भाई। नहीं आज जितना मेरे कैसे मलाना का है, बहुत टाइम बाद हम बाहर निकले घूमने और मैं आज मलाना पहली बार जा रहा हूँ और मेरे फ्रेंड लोग भी पहली बार जा रहे हैं। वैक्सीन लोग पहली बार जा रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। एक्साइटमेंट है मलाड़ा के बारे में जानने के। क्या मलाना जाने का शौक है, देखते हैं आज कैसा है मलाना, क्या है मलाना। बहुत नाम सुना है ना। हाँ बहुत नाम सुना है। यहाँ पे लिखा है ना मलाड़ा। हाँ जी मलाड़ा यहाँ से यही रोड है ना, तो गाइस यहाँ से मूव करेंगे लेफ्ट साइड को मलाड़ा। ये आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट लाइन जा रही है यहाँ से प्रोजेक्ट, ये मलाड़ा प्रोजेक्ट की पाइप है और इसके थ्रू पानी जा रहा है इसे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि मलाड़ा वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, तो उसके बारे में हम जानेंगे आज। और यहाँ से आगे का दृश्य आप देख सकते हैं दिल्ली का, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अल्टीमेट व्यू देखने को मिल रहा है। गाइज अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हमें ट्रैवल करते हुए और अभी हम रास्ते में ही हैं मलाड़ा के। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वहाँ पीछे ग्लेशियर और इन पहाड़ों के पीछे मलाड़ा है। तो अभी हम रास्ते में रुके हैं तो यहाँ पे हम फोटोग्राफी हो रही है। देखिए हमारे टूरिस्ट गए ये देवेंद्र भाई, देवेंद्र ब्रदर। तो यहाँ पे कुछ नई चीज मिली हमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, चील का क्या बोलते इसको, रुके हम एंजॉय कर रहे हैं, धूप का भी आनंद ले रहे हैं, थोड़ा कटकटाओ वाला थोड़ी देर, वॉटरफॉल भी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा है। तो बाकी कुछ नहीं, तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है हमें मलाड़ा जाने की, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं सब लोग। बहुत खूबसूरती जगह है, लेकिन इस तरह से अगर कचरा फेंकोगे तो पहाड़ों का बहुत ही नुकसान होगा। अब देखिए भैया क्रिस्टल की तरह चमक रहे हैं यहाँ के पत्थर, बिल्कुल नेचुरल है, आप देख सकते हैं कोई एडिटिंग नहीं है यहाँ पे। देख सकते हैं कुछ इस तरह से रोड है मलाड़ा का। अभी यहाँ पे काम चला है ऐसा लग रहा है, एक गाड़ी यहाँ पे बैक हो रही थी तो हमारी गाड़ी भी अभी चढ़ नहीं पा रही है, हमें उतना पड़ेगा ऐसा लगता है मुझे। ये निकल गई गाड़ी, आप देख सकते हैं यहाँ पे काम चला है तो हमारी गाड़ी रुक गई थी यहाँ पे। ये है टनल गाइस, तो मलाड़ा में टनल आप देख सकते हैं, बहुत ही अल्टीमेट दृश्य, वाह 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 क्या बात है, मुझे लगता कि हाथ से बनाया वो टनल है। ये यार टनल है आगे, अभी हमारा नेटवर्क चल रहा है, सबसे अच्छी बात ही है। तो गाइस ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट जहाँ पे हमारी गाड़ी जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे टूरिस्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो गाइज अभी हम पहुंच गए यहाँ पे मलाड़ा का, जो जहाँ तक गाड़ी जा सकती है वहाँ तक गए। आप देख सकते हैं वहाँ पे रॉक फॉल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी नहीं जा पा रही है, यहाँ पे रोड का काम चला है क्योंकि रोड ख़राब है वहाँ का। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग ड्रोन उड़ा रहे हैं, यहाँ पे ड्रोन उड़ रहा है, हमारा नहीं है लेकिन एक दिन हम भी ड्रोन लेंगे। चलिए तो गाइस जब हम डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ से जाना है, यहाँ पे 2 रास्ते पड़ते हैं यहाँ से, एक तो सीधा गांव जाता है, दूसरा यहाँ गेट होके जाएगा। तो अभी यहाँ से तकरीबन 2 घंटे लगेंगे पैदल, तो यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा पा रही हमारी, यहाँ तक आप देख सकते हैं सारी गाड़ी यहाँ पे लगी है। तो गाइस यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू हो रहा है मलाड़ा के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला रास्ता जा रहा है मलाड़ा, आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटरफॉल भी वहाँ और कुछ इस तरह से रास्ता बना हुआ है। ये है देख सकते हैं आप, यहाँ से ट्रैक हो रहा है शुरू हमारा मलाड़ा के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉक में चढ़ रहे हैं आप, तो रॉक में चढ़ रहे हैं हम लोग, आप देख सकते हैं। और यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा मलाड़ा का ट्रैक। तो अभी तक आपने देखा हम गाड़ी के थ्रू आए वहां तक, यहाँ से ऊपर गाड़ी नहीं जा पा रही है, यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है, नीचे हमने गाड़ी पार्क कर दी और यहाँ से हम पैदल ट्रैक करेंगे, वहाँ ऊपर टॉप पहाड़ तक जाएंगे। आप देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल रॉक है, रॉक में हम चढ़ेंगे, लेकिन सेफ है डोंट वरी। यहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है, प्रोफेशनल फोटोग्राफी हो रही है आज। यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल भी है और यहाँ से लो जो पल बर्फ है, ऊपर इसके अलावा कुछ
ऊपर माल मिलता है माल मिलेगा एक मंदिर कितना का दूर से मंदिर देवरा मंदिर कितना दूर है अच्छा तो कि दिंदा जाने नी नहाने दिंदा तो मंदिर में दूर मैं तो जाना तो देता है ना टच नहीं करता हम भी लोकल है ना लोकल सी मानू हम भी दारे देवते रहे आदमी देवरे मानू तो गाइस अभी हम थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं मिलाना बहुत ज्यादा थक गए हमें कितना दूर है ऊपर आधा घंटा और लगेगा आधा घंटा और नीचे को कितना टाइम लगेगा आपको हमें तो जल्दी लग जाएगा आधा घंटा और अच्छा एक घंटा लगेगा ऊपर जाने कैसा है ऊपर ठीक है बढ़िया है कहाँ से नहीं आप लोकल हो क्या नहीं कहाँ से आए मतलब हरियाणा से स्टूडेंट्स हो अच्छा जॉब वाले नहीं अब तो पहुंच गया आप यहाँ तो मेरे पास नीचे नाला है ना उसके पास है हम लोकल यहाँ कुल्लू है नहीं यहाँ आप नहीं आए हम ना इस जगह कुल्लू बहुत बड़ा है ना अब तो देखो इस तरह से वहाँ पे स्टे था आपका हाँ ऊपर कैफे में अच्छा किस तरह देते हो भाई एमर्जी होती है उनकी देने अच्छा अच्छी रूम भी है हाँ मतलब अच्छा रूम एक कॉमन रूम है वहाँ पे आपको जवाब हो जा सके उधर निकल यार आप लोग थके नहीं यार ये आगे बाद बहुत तेज जा रहे हैं धुआं निकाल दिया पानी गुड़ नहीं है क्या पानी मिलेगा अभी इस टाइम तो हमारे को देखो ऑन द वे कोई ना अगर पानी ना हो तो आप स्नो भी ले सकते हैं थोड़ा सा ऊपर का कचरा साफ करके स्नो आप डायरेक्ट ले सकते और उसकी प्यास ज्यादा बढ़ जाएगी पहाड़ों का दृश्य आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ ऊपर टॉप में मलाना का व्यू दिख रहा है तो वो टॉप में आप देखते हैं मलाना गांव और इस तरह से है और वो वहाँ पे आप देख सकते हैं मलाना प्रोजेक्ट आजकल यहाँ पे स्नोफॉल हो गया है टॉप टॉप में पहाड़ों में यहाँ तक पहुँचने में अभी हमें 2-3 घंटे लग चुके हैं तो बहुत ज़्यादा थक भी गए हम थोड़े बाद हम मलाना पहुँचेंगे और वहाँ पर हम खाना वाना खाएंगे लंच करेंगे और पानी भी पियेंगे वहाँ पे पानी तो है नहीं तो यहाँ पे स्नो खानी पड़ेगी स्नो खा सकते आप इस तरह से दिखती ये स्नो और जब प्यास आ रही तो स्नो खा के गुजारा करेंगे जो प्यास से बुझ जाएगी तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले मलाना गांव में और अभी यहाँ से लगभग 2 या 3 मिनट लगे